हेलो बच्चों, मैं सत्यम भंडारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एरर्स के बारे में बातें की थी। एरर्स क्यों आते, किस वजह से आते, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से वजह से हो सकता है या ह्यूमंस के वजह से हो सकता है, नेचर के वजह से हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अभी इस लेक्चर में हम लोग एरर्स का कैलकुलेशन देखने वाले, एरर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये चीज़ें हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ईजी होने वाला है। बस आपको कुछ बेसिक सा चीज़ पता होना चाहिए। मैं एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करके आपको पहले वो बेसिक सा चीज़ बता देता हूँ कि क्या आपको पता होना चाहिए। वो देखिए, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। क्या पता होना चाहिए? एवरेज कैसे निकाला जाता है, ये एक चीज। एवरेज को ही हम लोग, और एक वर्ड होता है एवरेज के लिए, उसे हम लोग कहते हैं मीन। क्या कहते हैं उसे? हम लोग कहते हैं मीन। मीन मीन को ही एवरेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी एवरेज मतलब क्या? सिंपल चीज है। अगर मान लो मैंने 5 वैल्यूज का मेजरमेंट लिया, एग्जाम्पल आपकी कुछ एग्जाम वगैरह होती है और 5 स्टूडेंट्स का रिजल्ट ले लिया मैंने, और मुझे बताना है किसी को कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं सबके। तो 5 के मार्क्स तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे एक एवरेज नंबर याद रखना पड़ेगा। जैसे 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो गया, 100 में से फर्स्ट को पड़े 80 मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट को गिरे 90 मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट को गिरे 85 मार्क्स, फोर्थ स्टूडेंट को गिरे 95 मार्क्स और फिफ्थ स्टूडेंट को भी गिरे मान लो 75 मार्क्स। अभी सबको अलग अलग मार्क्स है, इतने मार्क्स याद रखना किसके कितने मार्क्स है डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एवरेज मार्क्स बता दूंगा। एवरेज कैसे निकाला जाता है? जितने भी वैल्यू होते हैं आपके पास, उन सारे वैल्यूज़ को आप ऐड कर देते हो। सारे वैल्यूज़ को ऐड कर देते हो मतलब क्या करते हो, देखो कितने वैल्यूज़ है, 80, 90, 85 प्लस 95 प्लस 75, 5 वैल्यूज़ थे। जितने नंबर ऑफ वैल्यूज है उनको आपने ऐड कर दिया और उनको कितने नंबर है वो डिवाइड कर दो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 से इसे डिवाइड कर सकते हो। अभी ये कैलकुलेशन वगैरह वाला पार्ट हम लोग आगे देखेंगे, तो इसका जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वो आपको आंसर देगा एवरेज वैल्यू का। तो इसे हम लोग एवरेज कहते हैं और इसी चीज़ को मीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी आगे आएगा कैलकुलेशन में, मीन वर्ड भी आएगा और एवरेज वर्ड भी आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, एस्टिमेशन ऑफ एरर। सबसे पहले एरर मतलब क्या होता है? एरर मतलब डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड ट्रू वैल्यू। जैसे मैं आपको कह रहा था, एरर इज इक्वल्स टू, आप लिखते हो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मतलब कितना डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू है, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए था उससे आपने जो मेजर किया उसमें कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस कम है तो एरर कम है, डिफरेंस ज़्यादा है तो एरर ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, आपको कभी कभी कोई मेजरमेंट दे दिया जाता है, मतलब कोई एक एक्स वाई जेड क्वेश्चन में दे दिया जाएगा क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया गया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया गया तो वैल्यूज दे देगा और बोलेगा एरर कितने परसेंट आया निकालो, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, 2% आया, 5% आया, कितने परसेंट आया। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा उसमें। देन एक चीज़ होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू? मतलब द मीन वैल्यू दैट इज एरिथमेटिक एवरेज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मतलब क्या? ये ऐसा एरिथमेटिक एवरेज होता है लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज का, जिसे हम लोग कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। प्रोबेबल मतलब वो ट्रू वैल्यू नहीं है, प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आपका ट्रू वैल्यू उसके आसपास हो सकता है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? प्रोबेबल मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो वैल्यू आपके आसपास हो जाए। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन होता है एब्सोल्यूट एरर। अभी एब्सोल्यूट एरर पर जाने से पहले हम लोग इसमें एक एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर देते हैं। चलो अभी नेक्स्ट हमें मीन एरर चाहिए। मीन एरर
क्योंकि आगे यूज आने वाला है। मीन एरर मतलब क्या, अभी मैं ए लेकर चलूंगा वैल्यू को, ए लेकर चलूंगा मतलब क्या पता है, मैं कुछ ए नंबर ऑफ रीडिंग्स मुझे लेने हैं, तो मैंने कुछ रीडिंग्स ले लिए। अभी ध्यान देना, मैंने कुछ मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट में मैंने कुछ रीडिंग्स लिए A1, A2, A3, आपको बुक में भी एग्जांपल मिल जाएगा वो, अप टू मैंने ऐसे कहाँ तक रीडिंग्स लिए, AN तक रीडिंग ले लिए, ठीक है, AN तक मैंने N नंबर ऑफ रीडिंग्स लिए। अभी इनका मीन कैसे निकालोगे आप, मीन मतलब क्या, एवरेज। तो इनके मीन को मैं ए मीन से डिनोट कर देता हूँ, और इनका ए मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पता है, अभी बताया मैंने आपको मीन और एवरेज कैसे निकालना है, सारे वैल्यूज़ को ऐड कर दो और फिर कितने वैल्यूज़ है उससे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ वैल्यूज से, हो जाएगा सारे वैल्यूज़ मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसा कब तक लिखोगे, तो प्लस लिख के डॉट 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 अप टू AN डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, N नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, तो इसे N से डिवाइड कर दिया, ये आपको क्या मिला, मीन एरर मिला। क्या मिला आपको, ये मीन एरर मिला, या आप कह सकते हो मीन वैल्यू मिला आपके मेजर किए हुए मेजरमेंट्स का, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, मीन एरर या मीन वैल्यू समझ में आया, ठीक है, ये सिंपल सा चीज़ है। और जब हम लोग इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना आगे, तो आपको और इजी लगेगा ये, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाते हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो, मीन एरर का काम हो गया, देन आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, एब्सोल्यूट एरर में डेफिनेशन पे ध्यान देना है आपको। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब मीन वैल्यू और ईच इंडिविजुअल वैल्यू के मैग्नीट्यूड, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या पता है, मैग्नीट्यूड मतलब जो डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं ना, वो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट हमें मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब निगेटिव चीज़ों को निगलेक्ट कर देना है और हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को लेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगाया जाता है, आपने स्कूल में भी देखा होगा मॉड, हम लोग अगले चैप्टर में देखने ही वाले हैं कि मैग्नीट्यूड वगैरह क्या चीज़ें होती है, बट आपको मॉड का मीनिंग पता है। मॉड क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव रखता है और निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने का काम करता है। अभी एब्सोल्यूट एरर को डिनोट कैसे किया जाता है, एब्सोल्यूट एरर को डिनोट किया जाता है डेल्टा ए से। किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा ए से। और ये डिफरेंस है ना, तो इसे देखो, इसका फॉर्मूला बताता हूँ आपको। डेल्टा ए इज इक्वल्स टू हो जाता है ए मीन, मतलब जो मीन आया वो, माइनस ए ऑफ मेजर्ड वैल्यू, और इनका क्या लेना होता है पता है आपको, मॉड लेना होता है, सिंपल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। सर, हमें जो A1 A2 लिए उसका कैलकुलेट कर सकते क्या, 100% कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लिए थे, उन n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का हमने क्या ले लिया, मीन ले लिया, उन n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के मीन को। अभी हर एक का अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट, तो इसे हम लोग डेल्टा A1 कहेंगे। डेल्टा A1 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मीन जो वैल्यू आया है माइनस ऑफ A1। मतलब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है कैलकुलेटेड किया हुआ, वो मीन से, एवरेज से कितना दूर जा रहा है, ठीक है। देन डेल्टा A2, डेल्टा A2 को कैसे लिखेंगे, डेल्टा A2 को हम लोग लिख सकते हैं A मीन माइनस A2, समझ में आया। सेम हम डेल्टा A3 को लिख सकते हैं A मीन माइनस A3, करेक्ट। ऐसा कहाँ तक चल सकता है, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज रीडिंग्स आपने लिए वहाँ तक ये चल सकता है। तो मान लो मैंने n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिए, तो ये डेल्टा AN इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा A मीन, मीन वैल्यू, मीन एरर माइनस वैल्यू ऑफ nth टर्म, मतलब nth मेजर्ड वैल्यू। ये आपको क्लियर हुआ, सीक्वेंस में ध्यान देना। पहले क्या किया आपने, रीडिंग्स ले लिए, रीडिंग्स ले लिए तो आपको पता चल गया एरर आने वाला है। कैसे पता चला, क्योंकि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यूज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो वो डिफरेंस मिनिमाइज करना है आपको। एरर कितना आया ये देखना होगा, तभी तो आप उस एरर को एलिमिनेट कर सकते हो ना। एरर रहना अच्छी बात है क्या, नहीं। एरर एलिमिनेट करो तो अच्छे से हो जाएगा, कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो पहले हमने मीन निकाला, मतलब एवरेज किया सारे वैल्यूज़ के लिए, देन हर एक वैल्यू को चेक किया कि उसका मैग्नीट्यूड मतलब नंबर वैल्यू कितना डिफर कर रहा है ओरिजिनल मीन वैल्यू से, तो उसे हमने कहा कि एब्सोल्यूट एरर। क्या कहा उसे हमने, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है ना यहाँ तक, एब्सोल्यूट एरर तक कोई डाउट नहीं है। देन नेक्स्ट चीज़ होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, अभी एब्सोल्यूट एरर पता चल गया ना, उसका मीन, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। तो एब्सोल्यूट एरर को किससे डिनोट किया जाता है मुझे बताओ। अच्छा, इसमें डेफिनेशन भी था, डेफिनेशन बता दिया मैंने, इसका डेफिनेशन बाद में देखते हैं।
मुझे बताओ डेल्टा ए मतलब क्या होता था? एब्सोल्यूट एरर होता था, करेक्ट है। और इसका मीन लेना है तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन लिख दिया तो मीन मतलब क्या होता है? जितने भी वैल्यूज आपको मिले वो, लेकिन किसके मीन लेने हैं? एब्सोल्यूट एरर के। एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखोगे आप मीन में? डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर अप टू, आपने कितने वैल्यूज ले रखे थे? आपने ले रखे थे डेल्टा ए एन तक। तो इसे आप डिवाइड कर दोगे एन से तो आपको ये मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है क्या? देखो, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया आपको? मतलब अरिथमेटिक मीन सारे एब्सोल्यूट एरर्स में, मीन जो लोगे एब्सोल्यूट एरर्स के सारे वैल्यूज का, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज देखे, नहीं देखे बेटा, देखो बेटा आराम से देखना एकदम, ठीक है? कोई जल्दी नहीं, गड़बड़ नहीं। अगर कहीं आपको लग रहा है कि फिर से एक बार देखना है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना बाद में अपलोड होने के बाद, ठीक है? देखो, ये सारे हमने क्या फाइंड किए थे? एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड किए थे। तो इन सारे वैल्यूज का अगर हम लोग मीन निकाल लेंगे तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? उस चीज को हम लोग कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हो गया आपको? मीन एब्सोल्यूट एरर में अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग अगला होता है आपके लिए एरर फाइंड करने के लिए स्टेप, रिलेटिव एरर। नाम ही है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या भाई? कहीं नाते भाई कहीं कहा? नहीं नहीं, रिलेटिव मतलब रिलेट करना है चीजों को। रिलेट करना है मतलब हम रेशियो लेते हैं बेसिकली। रिलेटिव एरर में देखो, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स अरिथमेटिक मीन वैल्यू। अरिथमेटिक मीन वैल्यू मतलब जो स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था। क्या किया था? जो स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था। अभी ध्यान देना, रिलेटिव एरर, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन। डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन, इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं इसे? रिलेटिव एरर कहते हैं। क्लियर हो गया? रिलेट कर रहे हैं हम लोग दो चीजों को। किसे किसे रिलेट कर रहे हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर को रिलेट कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन के साथ, और इसी रेशियो को हम लोग रिलेटिव एरर के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो ये रिलेटिव एरर तक तो हम लोग आ चुके हैं। अभी लास्ट होता है इसमें, सबसे लास्ट स्टेप, जिसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज एरर। क्या कहते हैं इसे हम लोग लास्ट स्टेप को? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? अभी व्हेन रिलेटिव एरर इज रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। सिंपल। और आपको क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम या तो रिलेटिव एरर फाइंड करने पूछेगा, नहीं तो 70% ऑफ द टाइम आपको परसेंटेज एरर ही पूछता है। मतलब क्या करना पड़ेगा? सीक्वेंस में आना पड़ेगा। आपको मैं स्टेप्स भी लिख के दूंगा, ठीक है? टेंशन मत लीजिएगा। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होता है? आपका जो रिलेटिव एरर आया है वो फ्रैक्शन में आया हुआ है। वो रिलेटिव एरर किस में आया हुआ है? आपका फ्रैक्शन में। उसे अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर। ये इतना सिंपल है। मतलब आप अगर रिलेटिव एरर तक आ चुके हो तो आपने 90% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बस उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको परसेंटेज में कन्वर्जन मिल जाएगा उसका। क्लियर हुआ आपको ये चीज? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो अभी ये एग्जाम्पल पर जाने से पहले हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं। आपको स्टेप्स लिख के दूंगा, आप फिर ट्राई करना कुछ वैल्यूज को, ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल भी लूंगा आपके लिए। एक टेक्स्ट बुक में भी टेक्सचुअल एग्जाम्पल भी है, बट वो टेक्सचुअल एग्जाम्पल को मुझे लगता है हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वगैरह वाला भी पार्ट है, तो आप तब तक रिवाइज करके आ सकते हो। देखो, स्टेप्स टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स में। स्टेप्स टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। अभी इसमें कौन से स्टेप्स है? सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। ईच स्टेप इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक स्टेप आपको आंसर के करीब लेके जाएगा। देखो, पहला स्टेप होता है एरर कैलकुलेट करने में, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज। अच्छा सर, अभी आप बताइए सर, आप बता रहे थे कि मेजर्ड वैल्यूज ट्रू वैल्यू से दूर है तो एरर आया है पता चलेगा, लेकिन ट्रू वैल्यू ही नहीं दिया है कभी, तो क्वेश्चन आएंगे ना? वैसे ही क्वेश्चन आते हैं।
तो तब कैसे पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, जब आप वैल्यूज़ मेजर करोगे, पहला वैल्यू मान लो आपने मेजर कर लिया 3.4, दूसरा वैल्यू आया 3.9, तीसरा वैल्यू आया 3.2, चौथा वैल्यू आया 3.5, इसका मतलब हर वैल्यू मेजर कर रहे हो तो अलग अलग आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है पता है? सिंपल सा मतलब है कि इतना डिफरेंस आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़े, कहीं ना कहीं गड़बड़े मतलब एरर आ रहा है। तो ये समझ जाता है हमें, क्योंकि मेजर्ड वैल्यूज़ अगर सेम सेम आ रहे, थोड़ा बहुत निग्लिजिबल के बराबर डिफरेंस है, तो समझ जाना हम सही चल रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो समझ जाना कि एरर आ रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज़। देन सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप होता है फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच वैल्यू। अच्छा फॉर्मूला लिख दो सिंपल सा, देखो मीन फाइंड करना है मतलब आप ए मीन ले लेते हो। ए मीन मतलब क्या होता है पता है ना, मतलब आपको ये रिकॉल करने में एक स्लाइड रिकॉल कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ए वन प्लस अप टू एन डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए, डेल्टा ए एन मतलब क्या होता है, जो मीन आया हुआ है ना आपका, जो मीन आया हुआ है उससे आप वो पर्टिकुलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसके मैग्नीट्यूड को आप क्या कहोगे, एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। अब ये एब्सोल्यूट एरर जो आया आपका, इसके बहुत सारे वैल्यूज आए होंगे, फिर आप इसका मीन कर दोगे, देन मतलब क्या करोगे आप, फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या फाइंड करोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज होता है इन शॉर्ट। तो डेल्टा ए मीन ये क्या हो जाएगा पता है, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू अप टू आप कहाँ तक सॉल्व करे हो, एन तक सॉल्व करे हो, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे, टर्म्स है उससे डिवाइड कर दोगे। समझ में आया, थर्ड स्टेप तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप और देन लास्ट होता है फिफ्थ स्टेप। देन फोर्थ स्टेप होता है कैलकुलेट द रिलेटिव एरर। क्या कैलकुलेट करना है आपको, आपको कैलकुलेट करना है रिलेटिव एरर। अभी रिलेटिव एरर क्या होता है ध्यान देना है, रिलेटिव एरर नाम में ये रिलेट करेगा, चीजों को रिलेट करेगा, तो ये एक रेशो दिया हुआ रहेगा और ये रेशो किस चीज का होता है, ये रेशो होता है डेल्टा ए मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय आपने जो स्टार्टिंग में ए मीन फाइंड किया था उसका। तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं रिलेटिव एरर। कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी खत्म हो सकता है अगर आपको सिर्फ रिलेटिव एरर पूछा है, तो सिर्फ अगर रिलेटिव एरर पूछा है तो आप यहाँ तक कैलकुलेशन कर रुक सकते हो। बट कभी कभी आपको मान लो परसेंटेज एरर पूछा है तो लास्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर, कितना परसेंटेज का एरर आ रहा है आपके कैलकुलेशन में। इसे मैं लिखता हूँ परसेंटेज एरर और ये क्या होता है, कुछ नहीं, रिलेटिव एरर जो आपका आया है ना उस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर भी आ जाएगा और ये आपका परसेंटेज में कन्वर्जन भी हो गया। चलो क्लियर है, पांच स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एरर के कैलकुलेशन में और हम बहुत डेप्थ में देख रहे हैं इन स्टेप्स को। अभी बुक वाला एग्जांपल हम लोग आगे सॉल्व करेंगे बाद में, इसके पहले मैं कुछ वैल्यूज़ रैंडमली ले लेता हूँ ताकि आपको मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा कि कैलकुलेट कैसे करना है, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो खुद से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मैंने क्या किया, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तीन चार वैल्यूज का एग्जांपल लेता हूँ। कुछ रीडिंग्स लेने थे मुझे और मैंने रीडिंग्स ले लिए, मुझे कुछ वैल्यूज मिले जैसे कि 2.2 मिला। अभी क्या यूनिट है, क्या मेजर कर रहा था उससे लेना देना नहीं, हमें एरर कैलकुलेट करते आता ही नहीं, वो देखना है। ठीक है, तो 2.2 आया एक वैल्यू आया 2.3, एक आया 2.1 और एक आया फिर से 2.2। सर ये तो रिपीट हो गया, तो चलेगा ना, चार ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ तो वैल्यू रिपीट हुआ तो क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इन सब का मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो मीन कैलकुलेट करना मतलब क्या, 2.2 प्लस 2.3 प्लस 2.1 प्लस 2.2। देखो कैलकुलेशन मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, कैलकुलेशन हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। इन सब को ऐड कर दोगे तो 3 प्लस 5 7 प्लस 1 7, 3 प्लस 5 2, 3 प्लस 2 5 प्लस
वन सिक्स प्लस टू एट, एट मतलब ये आपका आएगा 8.8 डिवाइडेड बाय 4, और 8.8 डिवाइडेड बाय 4 मतलब आपका एम इन का वैल्यू कितना आया सर, मेरा एम इन आ गया 2.2। ठीक है, ये एम इन आया, ये आपका फर्स्ट स्टेप था एम इन कैलकुलेट करने का। देन सेकेंड स्टेप क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना होता है। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, हर एक वैल्यू कितना डिफर कर रहा है ये हमें देखना होता है। तो एब्सोल्यूट एरर को मैं डेल्टा से बताता हूँ, तो डेल्टा ए वन मतलब क्या हो जाएगा, एम इन माइनस ए वन, एम इन माइनस ए वन, एम इन कितना आया 2.2, माइनस ए वन कितना था 2.2, तो ये तो जीरो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो। डेल्टा ए टू कितना आया, डेल्टा ए टू एम इन माइनस ए टू, एम इन तो 2.2 था, माइनस 2.3, 2.2 माइनस 2.3 माइनस 0.1, और ये मॉड उसी लिए लगाया ताकि हमें निगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए। देन डेल्टा ए थ्री कितना हो जाएगा, डेल्टा ए थ्री ये हो जाएगा 2.2 माइनस 2.1, 2.2 माइनस 2.1 करोगे तो कितना मिलेगा, फिर 0.1 मिलेगा। देन लास्ट होता है डेल्टा ए फोर, डेल्टा ए फोर कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपको कुछ नहीं देगा, ये भी आपको एब्सोल्यूट एरर जीरो देगा। तो आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में सर, थर्ड स्टेप में हमें पता है जो हमने अभी एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हम उनका मीन करने वाले, उनका मीन करेंगे मतलब इन वैल्यूज का, 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4, बात खत्म। 0.1 प्लस 0.1 0.2 डिवाइडेड बाय 4, 0.2 डिवाइडेड बाय 4 को कैसे सॉल्व करोगे बता सकता है कोई, इसे सॉल्व करोगे तो इसका आपका आंसर आएगा 0.05। मैंने बताया कैलकुलेशन इज नॉट अ कप ऑफ टी, कैलकुलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। थर्ड स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, रिलेटिव एरर निकाला जाता है। रिलेटिव एरर लिख लो फॉर्मूला इसका 0.05 का और 2.2 का रेशो, 0.05 डिवाइडेड बाय 2.2 इसका रेशो होता है। अभी ये कैलकुलेशन कैसे करें सर, ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बताता हूँ आपको कैसे करना है। इसे आप लिख सकते हो 5 × 10⁻², और इसे आप लिख सकते हो 22 × 10⁻¹। सही है, हाँ सर, 22 का टेबल आता है, 5/22 सॉल्व करेंगे तो 0.50 हो गया, 260 आया तो भी 2, 160 आ गया, 160 आ गया मतलब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे इनटू 10⁻⁻¹ ऊपर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा तो ये आएगा ऐसा, −2 + 1 −1, तो ये आपका आया 0.0227। तो ये आपका क्या आया, रिलेटिव एरर। अभी लास्ट स्टेप होता है कितना परसेंट एरर आया, तो परसेंटेज एरर निकालना है, तो आप इसे क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 2 से पॉइंट शिफ्ट कर दो तो आपको वैल्यू मिला 2.27%। इसका मतलब आपका जो भी एरर आया है ना वैल्यूज़ में, वो बहुत ज़्यादा नहीं आया है, 2.27% आया है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा इसमें कि मैंने कैसे कैलकुलेशन किया है, ये ज़रूरी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारे स्टेप्स आपको याद होना चाहिए कि कौन से स्टेप्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं आगे क्वेश्चंस में जाकर, जिससे हम एरर आसानी से कैलकुलेट कर सके। एरर का चीज़ यहाँ पर कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं होता है, हम लोग इस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, और तो और इसमें हम लोग और भी एडवांस वर्जन होता है एरर्स का, जैसे फार्मूला दे दिया जाता है और वैल्यूज़ में एरर कितना है वो बता दिया पूछा जाता है, तो वो भी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलो हम लोग इस लेक्चर में यहीं पर रुकते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। मोस्टली अगला लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को ट्राई करेंगे ख़त्म करने का, और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलो मैं सत्यम भंडारी यहीं रुकता हूँ, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आते वक्त फिर ये रिवाइज करके आना, खुद से वैल्यूज लेकर देखो, खुद से ट्राई करके देखो, तब मज़ा आने लगेगा। तो चलो मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।